मेष राशि, रोग व शत्रु के घर में गया हुआ चंद्रमा कार्य में अवरोध पैदा करेगा, इसलिए आज किसी नए कार्य को बिल्कुल मत करिएगा। अनियमित दिनचर्या से भी बचिएगा, अन्यथा स्वास्थ्य खराब होगा। आज मीठी वस्तु का दान देकर दिन का मनोरथ सिद्ध कर सकते हैं। आज सफलता का मीटर 65%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 70% अंक दे रहा है। सिंह राशि, आर्थिक क्षेत्र में किया गया प्रयास सार्थक होता हुआ दिखाई देता है। परिवार के सदस्यों का अच्छा सहयोग भी मिलेगा। अधिक लालच में जोखिम भरे निवेश से बचिएगा। आज गरीबों में सफेद अन्न का दान दिन को और सुखद बनाएगा। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का 75% और संबंध का मीटर 80% अंक दे रहा है। धनुराशि, आपको प्रमोशन से संबंधित सूचना मिल सकती है और धन से संबंधित लंबित कार्य सफल होता हुआ दिखाई देगा। घर के आवश्यक कार्य को टालिएगा आज बिल्कुल नहीं। आज गरीबों में मीठा अन्न बांटने से दिन और सुखद बीतेगा। आज सफलता का मीटर 65%, सेहत का 70 और संबंध का मीटर 75% अंक दे रहा है। कुंभ राशि, नौकरी के लिए किया गया प्रयास आज सार्थक होगा। व्यवसाय में भी अपेक्षा के अनुरूप लाभ मिलेगा। आज के दिन गरीबों में धन का दान देकर संपूर्ण मनोरथ आज आप अपना सिद्ध कर सकते हैं। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का 65% और संबंध का 80% अंक देता है। आचार्य जी, अब आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बुधादित्य राजयोग कर्क, वृश्चिक, मीन, मकर और कुंभ राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए कितना प्रभावी होता है। देखिए, बुधादित्य योग कर्क, वृश्चिक, मीन लग्न में लगभग निष्फल होता है यदि किसी विशेष ग्रह के द्वारा कोई अन्य योग का समर्थन न मिल रहा हो, क्योंकि तीनों ही लग्नों में बुध, सूर्य निश्चित रूप से किसी न किसी मारक या अकारक भाव का नेतृत्व करते हैं, जिसके कारण कभी भी विशिष्ट योग नहीं बन पाता है। बुध की युति यद्यपि देखेंगे कि कभी कभी अच्छा फल प्रदान करती है, लेकिन सूर्य नकारात्मक हो जाता है, और कभी कभी सूर्य अच्छा फल प्रदान करता है लेकिन बुध नकारात्मक हो जाता है। लेकिन विशेष रूप से मकर और कुंभ लग्न में चूंकि लग्न का शत्रु ग्रह सूर्य होता है, इसलिए इसमें राजयोग जैसा फल प्रदान करने में लगभग अक्षम होता है।